हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। कौन सा धमाकेदार? रुको जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हो और अगर आपसे कोई गलती से यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या फिर इमेज हो या फिर ऑडियो फाइल हो डिलीट हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं हम? तो भैया, तो आप सोच रहे होगे कि ध्रुव भाई आपने तो वीडियो बनाया लाए, तो फिर से क्यों की वीडियो बना रहा है लाए? लैंग्वेज को क्या हो गया? तो आप सोच रहे होगे कि वीडियो मैंने पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग है। क्या अलग है वो मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ तो गाइस, मैंने पहले से ही एक वीडियो ऐसा ही यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है और उसमें मैंने क्या बताया कि आप ये सब जो भी मैंने बोला कि आपने डॉक्यूमेंट फाइल वो भी वो सब हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर। और वो फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा था? रिकुआ करके जो फ्री सॉफ्टवेयर मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो में हमने ये सीखा है कि आपको सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे डिलीटेड फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में? मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ नहीं करना है तो फिर आप कैसे वीडियो को या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आई बटन दिख रहा है वहाँ पर जाइए और वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो गाइस, चलते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप CMD का यूज़ करके कैसे डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो मेरा नाम है ध्रुव और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ तो गाइस, हम आ गए हैं अपने विंडोज पे, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि तो सबसे पहले मैंने पेन ड्राइव डाला है और उसमें ये देखिए, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट और ओके, फॉर्मेट हो चुका है हमारा पेन ड्राइव। तो अब हम इस डेटा को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस वीडियो में। अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ये जो भी जो रिकवर का डेटा है वो प्रोसेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको cgsecurity.org/wiki/testdisk डाउनलोड, ये देखिए मेरा आ रहा है, यहाँ पे इस लिंक पे जाना है और ऐसा आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और देखिए, ये देखिए ये 7.2 वाला अभी जो वर्जन है उसका मैं विंडोज 64 इसको आपको डाउनलोड कर देना है। सिंपली थोड़ा सा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर दिया है तो मैं अभी उसको दूसरी बार डाउनलोड नहीं करने वाला है। तो आपको डाउनलोड करने पे इसका जो भी zip फाइल है उसको मिलेगा, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है उसको मैं, और इस पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जाना है photorec.bin, ये एप्लीकेशन पे इस पे डबल क्लिक कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट का CMD का विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, अब हमको इस विंडो के बारे में डिटेल में समझना है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, इसको अभी वापस डाल देते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए आप कि दो मेरी फाइल दिखा रहा है, एक 1000 GB का जो मेरा हार्ड ड्राइव वो दिखा रहा है, मेरा 8053 MB का दिखा रहा है वो मेरा पेन ड्राइव है, ठीक है। तो हमको डेटा को जो भी रिकवर करना है वो हमारे पेन ड्राइव में से करना है, तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर हिट कर देंगे। ओके, अभी ये देखिए ये दूसरा कुछ ओपन हो गया है और यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि जो भी मेरा पेन ड्राइव था, मेरे पेन ड्राइव का नाम टोनी रखा था तो यहाँ पे टोनी दिखा रहा है। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने से पहले बटन में कुछ चार ऑप्शन दिए गए तो उसको समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप सर्च ऑप्शन फाइल आउटपुट और क्विट,
ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे क्विट का तो सिंपल मतलब है कि आप जैसे ही क्विट पर एंटर हिट करेंगे तो आप प्रोसेस के प्रीवियस स्टेप पे चले जाएंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोसेस प्रो यहाँ पे आ जाता है। ओके अभी सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में मैं जाता हूँ तो देखिए। ओके तो आपको जो करप्टेड फाइल है वो आपको रिकवर करनी हो तो यहाँ पे इसको यस कर देना है, और एक्सपर्ट मोड है वो भी नो, वो तो रहने देना है, वो सब कुछ आपको करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो भी उसको रहने देना है। इसको अभी क्विट करते हैं हम, फाइल आउटपुट पे जाते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है? यहाँ पे ये सभी देखिए आप फाइल दिखा रहा है और यहाँ पे इसमें आगे बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक फाइल या स्पेसिफिक आपको जो भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे रिस्टोर करना है, तो आपको फिर वही फाइल सिलेक्ट करनी है। लेकिन क्या है कि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सभी फाइल सिलेक्टेड है, यहाँ पर एक्स मतलब सभी फाइल सिलेक्टेड है। अगर मुझे इस फाइल को डिसलेक्टेड करना है तो मैं सिंपली एक्स प्रेस करूँगा। देखिए ये डिसलेक्ट हो गया, इससे एक्स एक्स डिसलेक्ट हो, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा एक्स प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये सभी फाइल सिलेक्टेड होती है। अगर आपको सभी फाइल रिकवर करनी है तो इस पे जाइए, वरना यहाँ पे से आप अपनी जो भी पर्टिकुलर फाइल को रिकवर करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो भी आपने चेंजेस किए फिर उसको सेव करने के लिए आपको देखना है, प्रेस एस टू डिसेबल ऑल फाइल और फेवरेट। अगर आप प्रेस एस करेंगे ना तो सभी सिलेक्टेड फाइल अनसिलेक्टेड हो जाएगी। और बी क्या है, तो बी टू सेव द सेट सेटिंग। ओके तो हम बी प्रेस कर देते हैं और ओके आ देते हैं। ओके और फिर हम चले जाते हैं क्विट पे। ओके अभी अब हम सर्च पे जाते हैं आगे। तो सर्च पे जाने से यहाँ पे भी दो ऑप्शन आते हैं, एक EXT2 और EXT3, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल थ्री, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हमको जाना है अदर्स पे। तो यहाँ पे हम अदर्स पे जाते हैं। तो गाइस फिर से हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, फ्री और वोल। तो हमको पूरे फाइल में से हमको डेटा रिकवर करना था, इसलिए हम वोल पे जाएंगे, वोल पार्टीशन पे और हेड एंटर। ओके और अभी आगे हम देखिए तो आगे कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर आपको जो फाइल जो भी रिकवर करना है ना वो कहाँ पे स्टोर हो ना वो ये सब कुछ बता रहा है कि आप किस डायरेक्टरी में अपना जो भी रिकवर डेटा हो वो स्टोर करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये सेट किस पे, कि सी ड्राइव यूजर टोनी स्टार्क डेस्कटॉप पे, वहाँ पे सेट है। लेकिन मैं कहाँ पे रिस्टोर करना चाहता हूँ, अपने पेन ड्राइव पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको लेफ्ट लेफ्ट की को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे आ गया वो। अभी और एक बार लेफ्ट की को प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि हम जो मेरे जो भी कंप्यूटर में जितने भी हार्ड ड्राइव के पार्टीशन है ना वो सभी मुझे यहाँ पे दिखा देगा, सी डी ई एफ जी और आई। तो मैं पर्टिकुलरली आई पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पेन ड्राइव का जो भी कीवर्ड है ना वो आई है। तो आई पे जाता हूँ और हिट एंटर। ओके और वहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली सी प्रेस कर देना है। सी प्रेस करते ही आपका जो भी रिकवरी ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे अराउंड 15 से 20 मिनट के बाद मेरे लैपटॉप में 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे ये मैसेज आया है कि रिकवरी कंप्लीटेड। ओके तो अब मैं इसको क्विट कर देता हूँ और अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं हमारे पेन ड्राइव पे कि क्या हमको जो भी डेटा हमने किया था वो मिला है कि नहीं। ओ देखिए देखिए ये तो बहुत ही अच्छा एक्यूरेट परफॉर्मेंस दिया है, मैंने जो फाइल डिलीट की थी उससे भी ज़्यादा फाइल मुझे देकर दी। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये जो मेरी फाइल थी ना लर्निंग करके, वो फाइल मैंने मेरे पेन ड्राइव में डाली थी लेकिन वो फाइल मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही है। तो गाइस इसका वही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो भी ये जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। इतना ही था आज के वीडियो में गाइस। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, कैसे क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाते रहने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।